हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, दैट इज सिविक्स. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ. बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है अब तक, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जा करके वो देख सकते हो. विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, लेट अस कम टू द वीडियो एंड स्टार्ट द चैप्टर. चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल थ्रू द प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. मतलब हमारे देश में जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो लोगों के हित के लिए काम करती है, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है. कैसे? कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्कीम्स बनाती है, एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग स्कीम्स और डेवलपमेंट ऑफ रोड और इलेक्ट्रिसिटी लाइक सर्विसेज का जो काम होता है वो होता है हमारे गवर्नमेंट के पास. गेटिंग माई पॉइंट? अब नेक्स्ट है, वट इज़ हेल्थ? हेल्थ होता क्या है? हेल्थ जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस और इंजरीज. हेल्थ का मतलब होता है हमारी एबिलिटी. मतलब अगर कोई इंसान जिसको कोई बीमारी नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसको चोट नहीं लगी हुई है, ही इज़ कंसिडर्ड हेल्दी, इज़न्ट इट? है कि नहीं? उसी पर्सन को तो आप हेल्दी कहते हो ना, जिससे कोई चोट नहीं लग रखी है या कोई बीमारी नहीं है, इजेंट इट? सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अदर फैक्टर दैट अफेक्ट आवर हेल्थ अपार्ट फ्रॉम डिजीजेस आर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड एडिक्वेट फूड टू ईट. मतलब हेल्थ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो मतलब डिजीजेस के अलावा भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, साफ़ सुथरा पानी जो हम पीते हैं, ऐसा होना चाहिए कि पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ताकि आपको उसके अंदर से जो है जर्म्स आपके अंदर एंटर ना करें और आप बीमार ना हो जाओ. पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए आपके आसपास, और कम से कम दो वक्त का खाना आपके लेना चाहिए, ताकि आप अपनी जो डेली आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है, जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, आप वो पूरा कर सको. नेक्स्ट पॉइंट है, लिविंग विदाउट मेंटल स्ट्रेन. लिविंग विदाउट मेंटल स्ट्रेन मतलब इतनी टेंशन नहीं लेनी है, जितनी कम हो सके उतनी टेंशन लो, थोड़ी पढ़ाई की तो लो लेकिन, ठीक है. और अपनी प्रॉब्लम शेयर करो जितना हो सके लोगों को, ताकि आपके दिमाग से जो टेंशन है ना वो थोड़ी कम हो जाए. तो इसका मतलब ये है. हेल्थ केयर का मतलब क्या है? अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर नीडेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और ट्रीट द इलनेस. मतलब प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, ना सिर्फ बीमारियों से बचने के लिए, बल्कि उन अगर हो जाए तो उनसे ठीक होने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए भी हमें प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है. जिनके लिए क्या क्या है हमारे पास में? हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज़ हैं टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं और ब्लड बैंक हैं, और इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास. टू रन सच फैसिलिटीज़, हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स आर नीडेड. इन सभी फैसिलिटीज़ को रन करने के लिए, जो कि है हेल्थ केयर सेंटर्स और हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरीज़, प्रॉपर हेल्थ वर्कर्स, नर्स और क्वालिफाइड डॉक्टर्स की हमको ज़रूरत है कि नहीं? अगर डॉक्टर ही ढंग के नहीं होंगे, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स ही नहीं होंगे, तो फिर हॉस्पिटल कितना ही अच्छा हो क्या काम आएगा? ठीक है, बिल्डिंग से थोड़ा ना हॉस्पिटल बनता है, डॉक्टर्स से बनता है, वहाँ के स्टाफ से बनता है. गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. मेडिसिन एंड नेसेसरी इक्विपमेंट्स फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. दवाइयाँ और जो इक्विपमेंट, जो मशीन्स जो चाहिए होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर के अलावा पेशेंट को सही से या प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. मतलब इंडिया में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम मतलब गवर्नमेंट हेल्थ केयर जो सिस्टम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो किस तरीके के हैं? सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट. ये जो है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ऑफकोर्स गवर्नमेंट उनसे रिलेटेड जो है पॉलिसीज़ या उनकी जो है केयर करती है कि सारी मेडिसिन टाइम टू टाइम अवेलेबल हो, नेसेसरी इक्विपमेंट्स हों, और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो हॉस्पिटल्स में होती हैं उनसे रिलेटेड. ठीक है, इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन. जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर इतनी मेडिसिन और इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स अवेलेबल करवाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कि एक टाइम पे वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन या ज़्यादा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को ट्रीट कर सके. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट जो है वो है हेल्थ केयर सर्विसेज.
हेल्थ केयर सर्विसेज कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स दैट आर पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज. अब पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज हम पढ़ेंगे, चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट. पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में आते हैं जो हेल्थ केयर सेंटर हॉस्पिटल जो हमारी गवर्नमेंट रन करती है, जिससे रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम जो है हमारी गवर्नमेंट करती है. गेटिंग माई पॉइंट. नेक्स्ट है, दे आर लिंक टूगेदर टू कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज. मतलब जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जो शहर वाले हॉस्पिटल्स हैं वो भी और जो गाँव वाले हैं वो भी, ठीक है. और इसमें इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं कि ना सिर्फ ये छोटी मोटी बीमारियाँ बल्कि जो स्पेशल या फिर जो कम्युनिकेबल डिजीज़ उस टाइम पे फैल रही होती हैं उनको भी ट्रीट करने का, उनसे भी बचने का जो है ये इनके पास में क्या होती है, मेडिसिंस होती हैं, ठीक है. प्रॉपर जो है डॉक्टर्स होते हैं, इतनी फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइडेड होती हैं. विलेज लेवल पर क्या होता है, हेल्थ सेंटर्स होते हैं, हेल्थ सेंटर में काम करते हैं नर्सेस, विलेज हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है. अब नर्सेज का कौन होती हैं, ये ट्रेंड होती हैं डीलिंग इन कॉमन इलनेस, छोटी मोटी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है या उनको कैसे ठीक करना है इन नर्सेज को पता होता है. विलेज हेल्थ वर्कर का काम क्या होता है, वर्क एट सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, ये काम करते हैं डॉक्टर के अंडर सुपरविजन का काम करते हैं. कहाँ पे, PHCs में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में. गेटिंग माई पॉइंट. नेक्स्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे जो काम क्या होता है, सुपरवाइजेस द हेल्थ सेंटर्स. ऊपर जो हेल्थ सेंटर्स थे अब उनको भी रेगुलेट करने का, उनको सुपरवाइज करने का भी काम करना ज़रूरी है कि वो वहाँ पर जो है काम ढंग से हो रहा है कि नहीं, ठीक है, या वहाँ पे रिसोर्सेज ढंग से अवेलेबल है कि नहीं, डॉक्टर्स अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, ये सुपरविजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये कब कहाँ पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है. अब लार्ज सिटीज़ में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, देयर आर मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन लार्ज सिटीज़. अब है, why they are called public and what are their functions. इन जो है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, हमने नाम पढ़ा, इनको पब्लिक क्यों कहते हैं और इनके फंक्शन क्या होते हैं. पब्लिक तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है इनसे रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन बनाती है और जो है इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम जो है गवर्नमेंट करती है, इसलिए इनको पब्लिक कहते हैं. फंक्शन क्या है वो अभी पढ़ते हैं. फर्स्ट फंक्शन है, गवर्नमेंट कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स. गवर्नमेंट ये आश्वासन देती है या फिर ये प्रॉमिस करती है कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेगी सभी सिटीजन्स को. रिसोर्सेज नीडेड टू रन द हॉस्पिटल एंड सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टैक्स वी पे. जो रिसोर्सेज, जो चीज़ें हैं, जो मेडिसिन और इक्विपमेंट्स हैं या डॉक्टर की सैलरी जो है, वो सभी जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है वो सभी कहाँ से आते हैं, ये रुपये उनके लिए कहाँ से आते हैं, जो टैक्स हम देते हैं गवर्नमेंट को, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो हम देते हैं उनकी पेमेंट से जो है गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज से रिलेटेड या फिर हॉस्पिटल की जितनी रिक्वायरमेंट है उनका खर्चा निकालती है. नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइड्स क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री और एट लो कॉस्ट. या तो जो है ये अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं ये प्रोवाइड करते हैं उनके पेशेंट्स को, या तो ये बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करते हैं. अगर चार्ज भी करते हैं तो बहुत कम रुपए चार्ज करते हैं. हमारे यहाँ पे गुड़गांव में है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जितना मुझे पता है उसका जो एक कार्ड बनता है, आपको कार्ड बनवाना पड़ता है अगर आपको डॉक्टर से मिलना है या फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, और जो कार्ड की फ़ीस है वो सिर्फ 5 रुपीज़ है, तो इतनी ज़्यादा फीस है नहीं. द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पीपल, ठीक है. द गवर्नमेंट ये चीज़ ध्यान में रखती है कि हर एक इंसान को ये हक है कि वो अपनी लाइफ जिए और सेफ लाइफ, और मतलब अगर उसको कोई बीमारी हो भी जाती है तो गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसे भी जीने का अधिकार है और उसे भी प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है. टेक और गवर्नमेंट टेक्स एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस लाइक TB, मलेरिया एंड जॉइंटिस. ये हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं ये भी ध्यान रखते हैं कि जो स्प्रेड होने वाली डिजीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनसे भी बचा जा सके, उन्हें फैलने से रोका जा सके. लाइक TB, मलेरिया एंड जॉइंटिस. आज के टाइम पे सबसे फेमस बीमारी कौन सी चल रही है बताओ, कोरोना, जो आपको पता होगा, जिसके कारण घर में बैठे हैं हम सभी. नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कौन सी है, प्राइवेट क्लिनिक ऑफ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स
प्राइवेटली ओन्ड, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं या प्राइवेट डॉक्टर्स जो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, नर्सिंग होम्स आते हैं जिन्हें लोगों ने खरीद रखा होता है, ये होते हैं हमारे प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर जो आते हैं। रूरल एरियाज़ में कौन से होते हैं, जो गांव वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कौन से प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे होते हैं आरएमपीएस। ये कौन से होते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मतलब ये मेडिकल जो होता है, मेडिकल फाउंडेशन होता है वहाँ से रजिस्टर होते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। और प्रैक्टिशनर्स मतलब ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन ये जो है छोटी मोटी इलनेस से जो है उनका समाधान निकाल सकते हैं या फिर उनको ट्रीट कर सकते हैं कॉमन इलनेस को। नेक्स्ट पॉइंट है अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ मतलब जो शहर होते हैं वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड मैनी ऑफ देम आर स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड स्पेशलाइज सर्विसेज, मतलब यहाँ पे जो शहर होते हैं यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं और ज़्यादातर उनमें से स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनका खुद का एक क्लिनिक होता है जो रन करते हैं वहाँ पे ही आसपास, उनकी एक कई बार केमिस्ट शॉप भी होती है उनकी, केमिस्ट शॉप वहाँ पे वो क्या करते हैं, ये देखो ऐसा होता है कि जो डॉक्टर है अपनी डिग्री जो है किसी क्या बोलते हैं केमिस्ट वाले को दे सकता है, किस पे किराए पे, उसके बदले में वो पेमेंट मांगता है उससे या फिर रेंट मांगता है उसका, और वो जो है एक क्या करते हैं अपनी शॉप खोलते हैं मेडिसिन की और दवाइयाँ बेच सकते हैं। दे आर लेबोरेटरीज डूइंग टेस्ट एंड प्रोवाइडिंग स्पेशल फैसिलिटीज़ लाइक एक्सरे, ठीक है, लेबोरेटरीज़ भी होती हैं जहाँ पे टेस्ट वाली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और जैसे कि एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, इस तरीके की। दे आर शॉप्स टू बाय मेडिसिन, वहाँ पे शॉप्स भी होती हैं मेडिसिन खरीदने के लिए। नॉट ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ये जो हॉस्पिटल्स और ये जो क्लिनिक्स होते हैं गवर्नमेंट का, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है और ये ना गवर्नमेंट ने खरीदे होते हैं। पेटेंट्स पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी, पेशेंट्स को बहुत सारी फीस देनी पड़ती है। हाँ, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे कंपैरेटिवली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उससे काफ़ी हद तक ज़्यादा रुपए चार्ज किए जाते हैं फीस के तौर पे, ठीक है। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी मतलब क्या कि हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ सबको प्रोवाइड हों, सबको मिले, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में प्राइवेट सर्विसेज इंक्रीज़ होती जा रही है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन इतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं हैं, कंपैरेटिवली कम है प्राइवेट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में। कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सर्विसेज कंसर्न्ड इन अर्बन एरियाज़, प्राइवेट जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाते हैं अर्बन एरिया शहरों में, वो ज़्यादातर क्या है प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से किए जाते हैं, ज़्यादा फीस वो चार्ज करते हैं, हाई कॉस्ट, बहुत ही एक्सपेंसिव मेडिसिन होती हैं उनकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी। सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मनी, कई बार जो है गलत काम मतलब गलत तरीके से भी पैसे अर्न करने की सोचते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो। ये तो देखो आपने सुना भी होगा और कई बार शायद मूवीज़ में भी देखा होगा, ठीक है। मूवीज़ में से एक मूवी शायद मुझे याद भी है, मूवी का नाम मैं भूल गई, ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि कई बार क्या किया जाता है कि आप गए हॉस्पिटल में और आपको करवाना था थायराइड का टेस्ट, तो आपको तीन चार टेस्ट एक्स्ट्रा लिख के दे देंगे कि ये टेस्ट भी करवा लो, ये टेस्ट भी करवा लो। हाँ, आप हमारे पास कौन से मेडिकल की डिग्री होती है हमें पता नहीं होता है, हम सारे टेस्ट करवा लेते हैं, उसके पैसे जो हैं ज़्यादा हमारे लग जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी कोई होती है कि इंटरकनेक्शन की, अगर आप मेरे से हमारे क्लिनिक से जाओगे और इस वाले उसके पास जाओगे लेबोरेटरी के पास में, यहाँ से टेस्ट करवा लेना, थोड़ा कमीशन होता है उनका, ठीक है वो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट कैन बी डन, अब हम कर क्या सकते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखती रहे कि ऐसे जो है इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस ना हो, और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, लॉज बनाने चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके फेयर जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए पेशेंट के साथ। बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ मतलब बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को, कहाँ को, मतलब हर एक इंसान को, हर एक एरिया के लोगों को। सम कंडीशन ऑफ सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल, सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल इज़ अगेन वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनफेयर प्रैक्टिसेस दैट हैपन इन द हेल्थ केयर सर्विसेज या हेल्थ केयर सेंटर्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट अपना है द कोस्टा रिका, कोस्टा रिका क्या है, एक हेल्दीएस्ट कंट्रीज़ में से एक है जो कि साउथ अमेरिका की, ठीक है। इसकी कोई खुद की आर्मी है नहीं,
इस कंट्री के पास में कोई खुद की आर्मी नहीं है, ये क्या करती है, जितना रुपए ये अपने आर्मी पे खर्च कर सकती है, जैसे हम लोग अपनी आर्मी पे कितने रुपए ज़्यादा रुपए खर्च करते हैं, वो रुपए ये बचा करके हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी में प्रोवाइड करती है, ठीक है, वहाँ पे खर्च करती है। और उस तरीके से इस कारण से ही वन ऑफ द हेल्दीस्ट कंट्रीज़ में से एक है और उनकी एजुकेशन फैसिलिटी भी वहाँ पर काफ़ी अच्छी है। ठीक है, दैट्स इट विद द चैप्टर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना, कमेंट करना ज़रूर कि आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है, तो चाहे वो आपकी एनसीईआरटी का है या आपकी कोई क्लास टीचर आपसे पूछ रही है वो। ठीक है, बाय।